मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। युवक ने इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी। पुलिस ने दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले आई, जहां महिला ने अपने प्रेमी के साथ जाने की बात कही तो पति ने भी उसके प्रेमी के साथ जाने की उसे इजाजत दे दी। बताते चले कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक में रहने वाली एक महिला का लगभग 3 माह से हरतला के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला के पहले पति से 3 बच्चे हैं, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं हुई। प्रेम प्रसंग की जानकारी जब महिला के पति को लगी तो उसने पत्नी पर नजर रखनी शुरू कर दी। बताया गया कि बीती रात महिला ने प्रेमी को अपने घर में मिलने बुलाया था। देर रात लगभग 2 बजे महिला का प्रेमी उससे मिलने उसके घर पहुंच गया। जैसे ही प्रेमी महिला के कमरे में दाखिल हुआ तो वहां महिला का पति दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए बैठा था और उसने पति पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले आई। थाने में महिला ने प्रेमी के साथ जाने की बात पर अड़ गई, जिसके बाद पति ने पत्नी को छोड़ने का फैसला ले लिया। पत्नी 2 बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई और पति 1 बच्चे को लेकर अपने घर चला आया। अब्दुल रहमान जी, आप कहाँ खड़े हैं? थाना सिविल लाइन। किस मैटर में आना हुआ, क्या मामला ऐसा हुआ जो आप सिविल लाइन थाने में आ जाए? मेरी बीवी मतलब किसी के साथ में रंगे हाथ पकड़ी गई रात। किसके साथ पकड़ी गई, क्या नाम है उसका? आबिद। कहाँ का निवासी है? हरतले का। कितने समय से ये मामला चल रहा है आपकी पत्नी का? क्या आज ही पहला मामला है, पहले से भी कभी कुछ ऐसा रहा है? लगभग 1 महीना रात को रोज आना ड्यूटी करता था देखने के लिए, रोज जगता था मैं। कितने बच्चे हैं आपकी पत्नी की, कितनी उम्र रही होगी उनकी? उनकी उम्र कम से कम 35-36 है। और उसकी लड़की, और जो लड़का पकड़ा गया साथ में वो जिसको कहते हैं, उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी भी लगभग इतनी है। अब आप क्या चाहते हो थाने सिविल लाइन में आगे? थाने सिविल लाइन में जो आदेश करेंगे वही मानने को तैयार है, और बाकी उसी को दे दो, मैं जो तो रखना है नहीं। आपकी तरफ से तहरीर क्या दी गई है? तहरीर यही दी गई है कि वो अपने दोनों मियां बीवी राजी, तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। मतलब आप रखना चाहते? हाँ, मैं ना रखना चाहता उसको। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई ठीक सही से कर रही है। क्या कार्रवाई कर रही है? क्या कहा क्या उस महिला को, उस जो लड़का था कि लड़का है उसके हवाले कर रहे हैं? आपके साथ भेज रहे हैं? नहीं, पुलिस वाले उसी लड़के के साथ भेज रहे हैं। क्या थाने में उनकी निकाह या कोर्ट मैरिज जैसा कोई प्रावधान करा गया है? नहीं, अभी नहीं होगा। उसके लड़के के परिजन मौजूद हैं? मौजूद हैं, बहन भाई मौजूद हैं। आपको इस चीज से कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपकी पत्नी को? उसको भी कोई एतराज नहीं है। तो आप हंसी खुशी जो, वो 2 लड़की को लेकर जा रही है अपने साथ, एक लड़की छोड़ के जा रही है। कितने बच्चे हैं सर? 3। अच्छा, 2 वो लेकर जा रही है, एक आपके पास? हाँ, आपकी मर्जी से। हाँ। सलमा जी, ये बताइए जो आपके पति ने आज आप पर जो आरोप लगाया है, ये क्या मामला है पूरा जो आज आप सिविल लाइन थाने आई हैं? तो उन्होंने मुझे देख लिया था उनके साथ में। कितने समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था आपका उस लड़के के साथ? लगभग 3 महीने। 3 महीने। किस समय उसको आप बुलाती थी, किस समय वो वहाँ से जाता था आपके पास से? रात के 1-2 बजे। अच्छा, तो आपके बीच में जो सराई संबंध वगैरह सब कुछ होते थे जी? अब आप क्या चाहती हो? उसके साथ में रहना चाहती हूँ। आपको अपने पति के साथ नहीं रहना? नहीं। आपकी जो कितनी बच्चे हैं आपकी? 3। वो बच्चे आपके साथ जा रही हैं या अपने पिता के साथ रहना चाहती हो? एक पिता के साथ में रहेंगे, 2 मेरे साथ। किसी बच्चे को ले जाएंगे आप अपने पास? 2। 2 को ले जाएंगे। आप अपनी मर्जी से जा रही, कोई दबाव वबाव तो नहीं है किसी की तरफ से? नहीं। आप अपनी खुशी से जा रही हैं उसके साथ? जी।